ब्यावर की निवार पट्टी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग यहां पर लगी है। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण यहां पर सामने आ रहा है। देर रात रिको एरिया की गणधर निवार इंडस्ट्रीज की यह घटना है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है और आग से लाखों रुपए का माल जलकर राख हुआ है। आपको बता दें कि रात्रि शिफ्ट में कई मजदूर निवार फैक्ट्री में काम कर रहे थे और आग की चपेट में आने से भी बाल बाल बचे। शॉर्ट सर्किट होता है, पहले स्थानीय स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास होता है, लेकिन आग जब विकराल रूप लेती है तो श्री सीमेंट नगर परिषद, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और यहां तक कि अजमेर के दमकलों ने यहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया और करीब 4 घंटे बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया गया। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक यंत्र जो भी वहां पर जो रखे हुए थे, पूरा भवन और पूरा सामान जो पूरी तरह से यहां पर तबाह हो चुका। हालांकि अनुमान नहीं लगाया कितने का नुकसान हुआ जिसको आंका जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 30-40 लाख से ऊपर का माल यहां पर जलकर राख हुआ है। तो भीषण आग यहां पर लगी है और जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, जिस तरह से भीषण आग यहां पर लगी और वो तस्वीरें जहां पर आग लगने के बाद में यहां पर पूरी तरह से तहस नहस हुआ, पूरा तबाह हुआ वह सामान, तो ये देर रात की घटना है। करीब 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया और रिको एरिया के गणधर निवार इंडस्ट्रीज की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर निवार पट्टी बनाने का काम चलता है और देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है, जो कि विकराल रूप उस आग ने लिया और उसके चलते पूरी फैक्ट्री यहां पर जलकर राख हुई। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, जिस तरह से भीषण आग लगी, जिस तरह से लपटे उठ रही है, कितनी भीषण आग देर रात ब्यावर में यहां पर लगी है और उसके बाद 4 घंटे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाने का प्रयास किया गया।